इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पीडीएफ को फाइल मैनेजर में कैसे सेव करेंगे अपने मोबाइल में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है पीडीएफ व्यूअर लाइट। तो इसको आपको क्या करना है कि यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। तो इसको इंस्टॉल होने में 10 से 15 सेकेंड आपको लग जाता है, और जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो चलिए हम पीडीएफ को देख लेते हैं। तो पीडीएफ हमारे पास व्हाट्सएप पे आया हुआ है, तो यहाँ पे हमें दो पीडीएफ देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं, हमारी यहाँ पे पीडीएफ व्यूअर लाइट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, और यहाँ पे बस हमें ओके का यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन भी आ चुका है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ से बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद हम चले जाते हैं अपने मोबाइल के व्हाट्सएप में, और व्हाट्सएप में जाने के बाद हम जाते हैं अपने पीडीएफ में। और जैसे कि यहाँ पे दो पीडीएफ है, तो एक पीडीएफ को हम यहाँ से ओपन करते हैं। तो ओपन करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है पीडीएफ व्यूअर ड्राइव पीडीएफ व्यूअर। तो पीडीएफ व्यूअर लाइट पे हम सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद ऊपर 3 डॉट में जाते हैं। थोड़ा सा आपको क्या करना होता है कि इसको कंप्रेस कीजिए या स्प्लिट कीजिए या प्रोटेक्ट कीजिए। तो हम चलिए थोड़ा सा इसको कंप्रेस कर देते हैं। इसके बाद कंप्रेस टू पीडीएफ पे जाते हैं, और इसके बाद यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ जाता है। और शेयर का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे हमें कॉपी टू पे फाइल मैनेजर पे जाना है और कॉपी टू कर देना है। तो जैसे हम फाइल मैनेजर पे फाइल कंप्रेस्ड हो चुका है, तो हमने कॉपी फाइल मैनेजर में कर चुका हूँ। तो अब चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो आपके फाइल मैनेजर में सबसे नीचे आ जाएगा, देख सकते हैं 30/3/2024 को हमारा ये फाइल आ चुका है। तो चलिए हम चलते हैं और अपने फाइल मैनेजर में जाकर के देखते हैं कि यहाँ पे ये कॉपी हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम सबसे नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारी ये पीडीएफ आ चुकी है। तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं, चाहे जो भी आपको करना है कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने यही बताने की कोशिश की। तो अगर यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।